ईश्वर रक्षा करना उनकी, वो जहाँ भी हो कुशलता से हो हमारे युवराज मारुति। वो क्या है? मैं अपने ज्ञान से कह सकता हूँ ये हमारा मित्र मारुति ही है। ईश्वर का सहस्त्र धन्यवाद जो आपने हमारे मारुति को सकुशल वापस लौटा दिया। मारुति की जय जयकार हो रही है, इसका अर्थ हमारा पुत्र। सत्य कहा आपने, जय जयकार हो रही है अर्थात हमारा मारुति वापस आ गया है। आप अंजना का ध्यान रखिए। चलिए ऋक्षराज जी। मेरे लाल, तुम सकुशल तो हो? हाँ पिताश्री, मैं तो माँ की चिंता दूर करने गया था। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए।
तुम्हें देखकर मेरा हृदय शांत हो गया। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारा मारुति सकुशल लौट आया। देव, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप मारुति को सकुशल वापस ले आए। वायुदेव, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज आपके ही कारण हमारा पुत्र मारुति हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर को दीजिए केसरी जी। उन्हीं की कृपा के कारण मैं अपने वचन की रक्षा कर पाया। पिताश्री, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? कहूं मैं अब मारुति से कि उसकी माँ किस दशा में है? पिताश्री चुप क्यों हैं? लगता है माँ मारुति से रुष्ट है, इसीलिए अपनी आंखें नहीं खोल रही। मारुति को जगाना होगा माँ को। अभी जगाता है मारुति माँ को, पर कैसे? कोई कुछ मत कहिए, मारुति जगाएगा माँ को। पल को खाने गया और किस तरह से नीचे आया। माँ उठिए ना। और वो गजराज हाथी, वो तो बहुत ही सुंदर था। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है और ढेर सारा लाड करना है। उठिए ना माँ, माँ उठिए ना। आप मुझसे इसलिए रुष्ट है ना कि मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया। लीजिए, मैं कान पकड़कर क्षमा मांगता हूँ। माँ, अब तो मेरी ओर देखिए, मैंने कान पकड़े हैं और दुखने भी लगे हैं। माँ, क्यों है? माँ उठिए ना, अपने नेत्र खोलिए ना, मेरी ओर देखिए,
मुझसे बोलिए ना माँ, कुछ तो बोलिए मुझसे। मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैं आपको बिना बताए चला गया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब तो मेरी तरफ देखिए। कुछ तो बोलिए माँ। पिताश्री, माँ उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं? कैसे समझाऊं मैं मारुति को, क्या कहूँ? पिताश्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? महाराज केसरी, क्या हुआ है देवी अंजना को? वायुदेव, आपने वचन दिया था कि पुष्प मुरझाने से पूर्व आप मारुति को ले आएंगे, और अंजना ने देखा कि पुष्प मुरझा गया है तो नहीं, कमल मुरझा गया। राज वैद्य ने निरीक्षण करने के पश्चात बताया है कि इनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी का प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। माँ, मेरे कारण ही आपकी ये दशा हुई है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आपका पुत्र आपको पुकार रहा है, मेरी ओर देखिए ना माँ, माँ मेरी ओर देखिए ना माँ।
दो क्षण भी मेरे बिना नहीं रह पाए। अच्छा मान, यदि किसी कारणवश लंबी अवधि के लिए मैं तुम सबसे दूर चली गई, तब क्या करोगे? या यदि मुझे कुछ हो ही जाए? दूर था, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। माँ उठिए ना, माँ उठिए ना, माँ आपको अपने लाल की पुकार सुननी ही होगी। माँ उठिए ना, माँ माँ, मैं कभी आकाश पर खाने नहीं जाऊंगा। माँ उठिए ना, माँ माँ उठिए ना, मैं इतना अधिक दूध भी नहीं पीऊंगा। माँ उठिए ना, माँ बिना नहीं रह सकता। माँ शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वे केसरी नंदन कहे जग केसरी नंदन कहे। पास आओ पुत्र,
कहीं मेरे छूते ही ये पुनः अदृश्य हो गया तो? क्या हुआ माँ को? माँ आप रुक क्यों गई? मुझे गले लगा लीजिए। नहीं, यदि तुम फिर मुझसे दूर चले गए तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मेरे नेत्रों को दिखाई तो दे रहे हो। मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं।